पारसोला में चल रहे भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में 7 मार्च को भक्तों ने प्रभु का ज्ञान कल्याणक मनाया। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ससंग के मंगल सानिध्य में भक्तों ने भावी तीर्थंकर महामुनिराज को आहार दान दिया। वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ससंग के मंगल सानिध्य में पारसोला में आयोजित हो रहे भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में 7 मार्च को भक्तों ने तीर्थंकर भगवान का केवल्य ज्ञान कल्याणक महोत्सव आयोजित किया। आचार्य श्री गुरुवर के सानिध्य में भक्तों ने भावी तीर्थंकर की आहारचर्या करवाई और पुण्य लाभ उठाया। तीर्थंकर भगवंत की आहारचर्या के साक्षात दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त प्रांगण में उपस्थित रहे और सौभाग्यशाली भक्तों ने आहार दान किया। आहारचर्या के महत्व को स्पष्ट करते हुए आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने भगवान पार्श्वनाथ की प्रथम आहारचर्या के बारे में बताया। पंचकाल प्रतिष्ठा महोत्सव में आज केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। भगवान पार्श्वनाथ का दीक्षा कल्याणक कल संपन्न हुआ था और दीक्षा संपन्न होने के बाद वे ध्यानस्थ है। आज वे ध्यान से हट करके छोड़ करके और आहार ग्रहण करने के लिए नगर भ्रमण करेंगे। एक ऐसी व्यवस्था है साधु जनों की, सामान्य व्यक्तियों का भी आप निमंत्रण देकर के भोजन करते करवाते हैं, क्योंकि साधुओं के जीवन में ये व्यवस्था नहीं होती। गौरतलब है कि 8 मार्च को इस भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का समापन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा के साथ होगा। जैन फोकस के लिए पारसोला राजस्थान से राजेश पंचोलिया की रिपोर्ट।